हाँ जी, क्या हाल चाल। इस समय मैं हूँ एट प्रेजेंट सिविल लाइन्स पे। भाई दोपहर का टाइम है और अपने दोस्तों यारों के लिए बेस्ट डील लेके आया हूँ। बोले तो एक नंबर चीज, अनलिमिटेड बुफे। हाँ भाई, अनलिमिटेड बुफे दिखाया था, वैसे ही एक और बुफे। काफी सर्च किया, देखा एक अच्छा बुफे मिला, यू एंड मी बुफे। जी हाँ भाई, जो आपको भी जोड़ेगा मुझे भी जोड़ेगा, एक अच्छा बुफे बनाएगा भाई। 129 रुपीज का अनलिमिटेड बुफे है, चपक के खाएंगे दिखाएंगे, साथ में अच्छा टेस्ट होगा, टेस्ट बताएंगे साथ में रिव्यू करेंगे। बाकी लोकेशन बीच में बता रहा हूँ, तो आ जाओ अंदर चलते हैं। तो भाई साहब, हम लोग बाहर से सीधे अंदर आ गए क्योंकि लगी थी पेट में बहुत जोरों की भूख, लंच टाइम पे आए। अभी मेरी ओनर साहब से बात हुई तो कहे भाई अगर आप शाम को आते तो आपको नान तंदूरी रोटी मिलती, बट लंच टाइम पे आए हैं। मेरी फेवरेट रोटी है भाई तवा रोटी, भाई जो घर पे बनती है वो रहती है, साथ में करारे शरारे पापड़ आपड़ रहते। जल्दी से आ जाओ, खोला जाए भाई, शादी वाला बुफे लग रहा है, लगा किसी शादी आदि में आए हैं। और अच्छी बात देखो भाई, मैं यहाँ बाहर शूटिंग कर रहा था, अंदर भाई साहब इतनी भीड़, चूरियन मंचूरियन खत्म हुए जा रहे हैं, साथ में भाई शादी वाले नूडल्स, स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स रहते हैं, साथ में मंचूरियन मंचूरियन है। और भाई जो चीजें दिखाने वाले, दो चीजें ये होगी, साथ में रहता है ये फ्राइड राइस, और सैलेड वैलेट की व्यवस्था पूरी हो रखती है। प्रॉपर शादी वाला काम चल रहा है, शादी में कार्ड आर्ड नहीं आ रहे, तो भाई कार्ड का पैसा बचाओ, यहाँ चले आओ। और ये देखो भाई, अच्छी घर वाली आलू रहती, जीरा आलू, स्पेशली जो सफर वफर में जाते हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। बट हम तो भाई आए बुफे खाने, तो बुफे में ये भी मिल गई। और वेज की जान और शान होती है भाई पनीर, पनीर बटर मसाला है आज की ग्रेवी, बकायदे चेंज भी होता रहता, देखने में अच्छी लग रही है, ज्यादा सुपर ऑयली नहीं लग रहा है फूड खाने में। अभी बढ़ते जा रहे हैं भाई, तो अगली जो चीज है वो है भाई घर वाली दाल, दाल तड़का है। बाकी जो हींग की खुशबू आ रही है वो काफी अच्छी है, फ्लेवर अच्छा है। साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है इनके प्लेन राइस, जीरा राइस नहीं प्लेन राइस। बोला ना घर वाला खाना शादी वाला खाना मिक्स किया गया, तो आज एक अच्छी प्लेटिंग करते हैं, दिखाते हैं अच्छा और सच्चा रिव्यू। लोग लगवा रहे हैं चाइनीज खाना, पहले भाई शुरुआत होती है शादी आदि में, जाते चाइनीज पहले जाते हैं ना भागते हैं, तो भाई हम लोग थोड़ा सा लेंगे इस पे नूडल्स, और हल्की थोड़ा थोड़ा भी ले रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि कवर काफी चीजें करनी है, वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट करोगे भाई 50 रुपये और जुर्माना है। और थोड़ी सी भाई मंचूरियन बॉल, और साथ में तो थोड़ा सा भाई राइस ले लेते हैं पहले, क्योंकि तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है भाई, इतनी चीजें करते रहो। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, आपका गाइस भाई सारी चीजें एक साथ, भाई फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, सारी चीज एक साथ लेते रहना चाहिए। तो ये देखो भाई, एक आया मंचूरियन पे तो एक आया नूडल्स पे, आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या लगता है, राइस या नूडल्स मंचूरियन के साथ, हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। बाकी हम इसको लेके चल रहे हैं भाई, प्रॉपर मील हम लोग ने लगवा ली है, सारी चीजें क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ली, और अच्छी बात ये है जो कटलरी यूज कर रहे हैं भाई, अच्छी क्वालिटी की है तो इंटरेस्ट कर रही है। साथ में भाई ये नूडल्स हैं, थोड़े से ट्राई करते हैं पहले, तो नूडल्स की क्वालिटी अच्छी है, प्रॉपर में बोला बुफे, बुफे बोल रहे शादी या कोई भी कार्यक्रम तो उससे रिलेट कर रहा है। और मंचूरियन को थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हमारी गलती हो जाती है कभी कभी क्योंकि खाना ठंडा हो जाता है, तो ओवरऑल स्टार्टर्स ने पास किया अपने आप को, बोला मैं सही हूँ। अब आ जाते हैं भाई वेज बुफे, बोले तो खाना तो भाई पनीर है, दाल है, सब्जी है, और अच्छी बात है रोटी है। तो भाई शुरुआत करेंगे अपनी जीरे वाली सब्जी से, तो आलू आलू है, ये मेरी स्कूल मेमोरीज से जुड़ती की आलू है। अभी आप लोग अगर टिफिन विफिन ले गए होगे स्कूल, तो ये वैसी आलू की सब्जी है, साथ में पनीर नहीं रहता है, तो हम लोग भी पनीर की बाइट लेंगे, तो थोड़ी सी छोटी सी मुझे खाऊंगा अभी आराम से, पहले शूट वूट निपटा लिया जाए। तो ये देखो, ये सब्जी बिल्कुल शादी से मैच नहीं करती, खाना एकदम लाइट है, मसालों में है, एकदम लाइट मसालों में, ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा कि प्रॉपर आपको लगे रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो, शादी वाला खाना है, बोला शादी वाला, बट हल्के मसालों पे लंच टाइम पे आराम से इंजॉय कर सकते हो। और ये करारे शरारे पापड़ रहते हैं, और साथ में जीरा राइस रहता है, भाई राइस को दाल के साथ फिनिश करते हैं। और अपने दोस्तों यारों से सिविल लाइन से अगर आ रहे हो तो कभी इस प्लेस से विजिट करो, क्योंकि लंच टाइम हो या शाम टाइम में आओगे तो अनलिमिटेड फूड है, बोले तो चपक के खाओ, मजे से खाओ, और किसी का बर्थडे अड्डे आ रहा हो, अब तो वैलेंटाइन भी आ रहा है, तो भाई अपनी डेट के साथ आ सकते हो यहाँ पे इस फूड को एंजॉय करने। टेस्ट बहुत डिसेंट, ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो मिलते हैं नई जगह पे नए टेस्ट का। थैंक यू। हाँ जी, तो अपना खाना पीना तो हो गया कंप्लीट, बाकी
डिटेल वीडियो बता ही दिया हूँ सारी चीजें। तो लोकेशन बता दे, लोकेशन है सुभाष चौराहे से थोड़ा सा आगे महिंद्रा शोरूम की तरफ बढ़ेंगे, जग्गी ऑप्टिशंस करके एक शॉप है, उसके जस्ट बगल में यू एंड मी कैफे रेस्टोरेंट है। जी हाँ, तो वहाँ पे सारा काम धाम चल रहा है। जब भी आओ तो आप भाई कुछ भी अगर अदर चीज खा रहे हो तो हमें रिकमेंड एक बार जरूर करना, बाकी कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना। थैंक यू।